क्या आप जानते हैं कौन है अहोम राजकुमारी सती जयंती? 17वीं शताब्दी की रानी ने लोरो राजा को यह बताने से इनकार कर दिया कि उसका पति गोदापानी कहाँ छिपा है। उसे एक कांटेदार पौधे से बांध दिया गया और प्रताड़ित किया गया। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक देखें। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सती जयंती, जिसे जयंती कुंवारी के नाम से भी जाना जाता है, एक अहोम राजकुमारी उन सामाजिक ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक है जो आज तक असम के लोगों की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। पिछली शताब्दी के दौरान और आज तक उन्हें एक देशभक्त और शहीद के रूप में याद किया जाता है, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पदोन्नत किया जाता है, आदर्श पत्नी, माँ और स्त्री गुणों के प्रतीक के रूप में पोषित किया जाता है। उन्हें एक दिव्य अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। जयंती का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में माधुरी गांव शिवसागर जोरहाट के नजदीक में लाय थेपेना बोरगोहेन और चंद्रदारू के घर हुआ था। लाय थेपेना की 12 पत्नियां थीं। जयंती उनकी पहली पत्नी चंद्रदारू की बेटी थीं। उनके 24 भाई, 11 सौतेली माँ और 12 बहनें थीं। जयंती का विवाह चोकलोंग अहोम की एक परंपरा विवाह द्वारा तुनखुंडिया परिवार के गोबर रोजा के पुत्र राजा गोदापानी से हुआ था। गोदापानी युवा, सुंदर, गतिशील और उचित निर्णय लेने में सक्षम थे। हालांकि उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता वाले नेता के योग्य साबित किया। लोरा रोजा से परेशानी को भांपते हुए गोदापानी अपनी पत्नी जयंती की सलाह पर नागा हिल्स नागालैंड भाग गए और एक नागा युवती दलीमी के प्यार और देखभाल के तहत शरण ली। लोरा रोजा शब्द के अंग्रेजी शब्द का अर्थ है बॉयकिन। सुलिक्फा कम उम्र में राजा बन गए और इसलिए उन्होंने लोरा रोजा की उपाधि अर्जित की। सुलिक्फा का असली नाम सरुगोहेन था। 1679 में लालुक सुला बोआफुकन ने उन्हें अहोम साम्राज्य का राजा बनाया। सुलिक्फा कठपुतली राजा थे और यह लालुक सुला का शासन था। जानकारी के अनुसार लालुक सुला ने 1671 सरायघाट की लड़ाई के बाद गुवाहाटी को छोड़ दिया, जिसमें उनके भाई अलचित बोआफुकन ने मुगलों को हराया और राजा की आकांक्षा की। 1672 में अपने छोटे भाई अलचित बी की मृत्यु के बाद उन्हें उदयादित्य सिंह द्वारा बोआफुकन नियुक्त किया गया था। वह अवधि जब गोदापानी को अपनी भूमि से भागने के लिए मजबूर किया गया था, वह असमिया इतिहास के सबसे काले समयों में से एक था। यह युवा तानाशाह सुलिक्फा के शासन के दौरान और लालुक सुला बोआफुकन के हेरफेर के तहत 27 योग्य राजकुमारों और राजकुमारियों और 2 राजाओं की हत्या कर दी गई थी। असम में पूरी तरह से अराजकता थी और गोदापानी उनकी एकमात्र आशा के साथ भविष्य खराब दिख रहा था। इसलिए गोदापानी और उसके 2 बेटों के लिए लोरा रोजा की जेल से भागना अनिवार्य था। जब लोरा रोजा के सैनिक गोदापानी को खोजने में विफल रहे तो उनकी पत्नी जयंती कुंवारी को राजा के पास बुलाया गया और यह बताने के लिए कहा गया कि गोदापानी कहाँ छिपा था। ऐसा करने से इनकार करने पर उसे असम के शिवसागर जिले में जरेंगा नाम का एक खेत ले जाया गया, जिसे एक कांटेदार पौधे से बांधा गया और प्रताड़ित किया गया। जब गोदापानी को अपनी पत्नी की यातना के बारे में पता चला तो वह गुप्त रूप से जरेंगा पाथेर के पास आया और जयंती से लोरा राजा को सच बताने का अनुरोध किया। उसने लोरा राजा को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, अपने फैसले पर दृढ़ थी और हिलती नहीं थी। इसके बजाय उसने गोदापानी को जगह छोड़ने के लिए कहा। जब जयंती ने अपने पति के ठिकाने का खुलासा नहीं किया तो उत्पीड़न की तीव्रता बढ़ गई और 14 दिनों की लगातार शारीरिक यातना के बाद उन्होंने 27 मार्च 1680 को जरेंगा पाथेर में अंतिम सांस ली। इस प्रकार जयंती ने अंतिम सांस तक अपने पति और राज्य की रक्षा की। अपने पति और मातृभूमि के लिए उनके आत्मा बलिदान, प्रेम और जिम्मेदारी को असम में जाना जाता है। उनका सपना सच हो गया जब गोदापानी 1681 में सिंहासन पर चढ़ा और राजा गोदादर सिंह का नाम ग्रहण किया। 1680 में जयंती की मृत्यु के बाद से वह अपने सपने को सच होते नहीं देख सकी। ये थी अहोम प्रिंसेस जयंती की आत्मा बलिदान की कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। I am your observer.